हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2021 के पोस्टपोनमेंट के बारे में एंड सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी का जो बयान है, जो जूम कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया है, उस वीडियो को पहले हम लोग देखेंगे एंड देन हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Children want to know, students want to know as to when we are going to come up with the application forms for JEE as well as NEET. The JEE application form should be coming very shortly. The exams, we are yet to decide the dates, but since this time the entire session is going late, the exams will not happen in January as they were planned earlier, as they were done in the last year. They will be sometime in February or so. We will be deciding the dates very shortly and we'll be letting all of you know. Similarly, in case of NEET also, we'll be deciding the date about the NEET very shortly and we'll be informing. But what CBSE has said that for their evaluation purposes, for their board exam, they have deleted certain portions. Certain portions are not going to come. As far as we are concerned, because these exams are conducted for all the boards, they are not only for the CBSE, they are for all the boards across the country. So we have not deleted any syllabus. The syllabus as it was for the last time is going to be there. And if you see very carefully, the syllabus is generally different from what is there in the board examination. And also we have this understanding that mostly students, when they prepare for these exams, they prepared at least 2 years in advance, that when they enter the grade 11, since then they start preparing for these exams. So we are sure that grade 11 they have covered 100%, and grade 12 also, since they are aware that these are examinations which also see their preparations for doing well in the engineering. You know, if you are eventually going to appear in the, you know, participate in the engineering courses in semester, first semester or second semester, you would need to know these concepts which have been deleted by the CBSE for their evaluation purposes. So therefore, there is no reduction in the syllabus as far as the NTA's exams are concerned. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं। एंड पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जेईई मेंस जो पहले जनवरी में शेड्यूल किया गया था, वो अब जो है वो जनवरी में करवाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी ने कि जनवरी में करवाना बहुत ही मुश्किल है, तो अब आप कह सकते हैं कि लगभग पोस्टपोन हो गया है फरवरी में, क्योंकि उन्होंने खुद इस वीडियो में बताया। तो आप अपनी प्रिपरेशंस को फरवरी के अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सिलेबस के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस नहीं होने वाला है। जो सिलेबस पिछले साल था जेईई मेंस के लिए, वही सिलेबस रहने वाला है। उनके रीजंस भी उन्होंने वीडियो में बताए हैं। तो ये दो चीजें वीडियो से निकल के आई है, आप प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं एंड हम भी आपकी मदद करते रहेंगे। हमने ऑलरेडी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो भी डाल दिया हमारे चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं एंड उसके हिसाब से आप अपना गोल जो है वो सेट कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंटाइल अचीव करना है और उसके लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी वीडियो डालते जा रहे हैं। मैथ्स का हमने ऑलरेडी डाल दिया, तो आप मैथमेटिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख सकते हैं कि कौन कौन से एंड किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड हमारे चैनल पे बाकी सब्जेक्ट्स का भी हम डालते रहेंगे, बहुत सारे यूजफुल कंटेंट डालते रहेंगे एंड अपडेट्स भी बताते रहेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।